लोग हॉस्पिटल में, जब बीएमसी हॉस्पिटल आप लोग जाओगे मरीजों के पास, आप लोग जितनी भी उन लोगों की केयर करोगे, हम आप लोगों को सारी फैसिलिटीज मुहैया करेंगे। ये हमें हॉस्पिटल की तरफ से फैसिलिटीज मिले हैं जिसमें हम दूसरी तरफ किसी और का अक्स भी देख सकते हैं। जितने पूरे बीएमसी में हमें ये बताया गया है कि जितने मास्क आए हैं वो सिर्फ 295 मास्क आए हैं, वो सिर्फ डॉक्टर्स को मिले, हमें नहीं मिले। ना हमें सैनिटाइजर प्रोवाइड किया जाता है, ना हमें कोई स्पेशल किट प्रोवाइड किया जाता है। हम लोग बजाय अपनी 3 घंटे की ड्यूटी के, हम लोग 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं। क्या ये इंसाफ की बात है? हम स्टूडेंट हैं या हम इन सर्विस हैं? अगर हम इन सर्विस हैं तो कहाँ है हमारी सैलरी? ठीक है, और जो इन सर्विस है उनकी सैलरी डबल की गई है। हम लोग स्टूडेंट हैं, हमसे डबल काम लिया जा रहा है, हमें स्कॉलर तक मुहैया नहीं किया जा रहा है। ये कहाँ की इंसाफ है? जब हम लोग बात करते हैं अपने हक की तो हमें प्रेशराइज किया जाता है, हमें दबाया जाता है। ये कहा जाता है कि आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग बात नहीं करो, आप लोगों के सारी फैसिलिटीज मुहैया करेंगे। ठीक है, तो हमें ये फैसिलिटीज मुहैया कर रहे हो आप लोग? हम लोगों ने जब अपने हक की बात की तो हमें दबाया गया, हमें ये कहा गया कि आप लोगों को टर्मिनेट किया जाएगा, और सिर्फ उन स्टूडेंट का नाम आया है जो चुपके होते हैं या जो डरे हुए होते हैं, उनका नाम लिया जाता है। क्यों? हम लोग स्टूडेंट नहीं है जो बोलते हैं, उनको दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? कि जो कि प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स है जो हम नर्सेस को, हम स्टूडेंट नर्सेस को प्रोवाइड करने चाहिए, वो हमें प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। और सेकंड बात, जो हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारी गवर्नमेंट ने हर जगह की गैदरिंग को खत्म कर दिया गया है। हम नर्सेज है जो कि हम स्टूडेंट नर्सेज डिफरेंट वार्ड्स में जाते हैं, डिफरेंट पेशेंट्स को हम लोग हैंडल करते हैं विदाउट ग्लव्स, विदाउट हमारे मास्क, कोई भी प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स हमें प्रोवाइड नहीं है। इसके बावजूद हम लोग पेशेंट्स को अटेंड करते हैं। यही नर्सेज आते हैं इसी हॉस्टल में गैदरिंग में एक साथ होते हैं, हमारे मैथ्स में यही सारे नर्सेज एक साथ होते हैं, रोलकान में एक साथ होते हैं, वॉशरूमिंग का एक ही होता है। इस तरह आप खुद सोचिए कोरोना वायरस फैल सकता है कि या नहीं। हम नर्सेज ये चाहते हैं, हमारी सिर्फ डिमांड ये है कि हमें हॉस्टल से रिलीव किया जाए। आज सिर्फ मैं एक नहीं हूँ, मेरे साथ सारे नर्सेस खड़े हैं, सारे स्टूडेंट ही हैं, कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पे। और हम सब ने अपने अपने, हर किसी ने अपने अपने हक की खुद बात की है। ठीक है, कोई किसी ने किसी की, कोई है कि किसी की सरपरस्ती में नहीं है। हम लोगों ने पहले कुछ नहीं कहा, हमारी ड्यूटीज लगाई गई, हम लोगों को हर वार्ड में भेजा गया बगैर किसी स्टाफ के, हम सारे स्टूडेंट ड्यूटीज करते रहे, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन हम कब तक करेंगे? जाहिर है हम स्टूडेंट है, हम थक जाते हैं, ना हमें टाइम पे ऑफ मिलता है, ना टाइम पे हम घर जा सकते हैं। ठीक है, अब जब हम लोगों ने सब ने एक साथ आवाज उठाई तब हमें कहा गया कि आप लोगों को सैनिटाइजर दिया जाएगा, आप लोगों को तमाम फैसिलिटीज मुहैया की जाएंगी। अब जब पहले जब चाहिए था, जब कोरोना पहले आया था, आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? अब क्यों दे रहे हो? जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो आप लोग क्यों अब दे रहे हो? अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें सिर्फ घर जाना है। ठीक है, हम अगर ना जाए तो आप लोग क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, हमारी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? हमें लेटर में लिख के देंगे हम जरूर नहीं जाएंगे, या फिर हमें घर जाने दिया जाए? ठीक है, हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। जब हम लोगों ने घर जाने की बात की तो हमें धमकियां दे रहे हैं टर्मिनेशन की, डिसमिस करने की, लेकिन अब हमारा सिर्फ सब सब कह रहे हैं यहाँ पे, सब सारे नर्सेस